बोलोगे? हाँ तो देखिए, वन बाई क्यू, वन बाई फोर पाई स्क्वायर जीरो, एफ की वैल्यू कितना आपका क्यू वन क्यू टू अपान आर स्क्वायर। करेक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड पे रखा गया ना, इलेक्ट्रिक फील्ड रखा गया, फिर क्यू वन है और ये हो गया आपका क्यू टू, ठीक है, बीस की दूरी आर स्क्वायर। तो जैसे इसमें जो क्वेश्चन कह रहा है कि यदि यहाँ पे मान लीजिए ये क्यू है, ठीक है, ये क्यू है, तो यहाँ पर लास्ट में मान लीजिए क्यू जीरो हो जा रहा है, तब यहाँ पे जब क्यू जीरो लिख देते हैं यहाँ पर, तो ये सेकेंड वाला एक लिख सकते हैं आप जीरो, तो यहाँ पर जगह आपका जीरो, ठीक है। तो बताइए, है क्यू जीरो से जी क्यू जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचा आपका, यहीं से फॉर्मूला भी बन जाता है वन बाई फोर पाई स्पाइलम जीरो क्यू अपान आर इसका चौवन लिखिए, चलो लिखिए। अब इसी पे वन में लिखा रखा गया क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड में, पाँच दशमलव जीरो पूरे दस के पाँच माइनस आठ गुणा बिंब आवेश पर कितना दूरी पर रखकर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट मीटर हो जाए, 450 वोल्ट मीटर हो जाए, यानी ई की वैल्यू आपका है यहाँ पर दे रखा है 450 है, हाँ 450 है, कितने दूरी पर रखी जाए। हाँ, अब देखिए दिमाग लगाइए यहाँ पे, आप कितना आवेश गुलाम दिया है क्यू की वैल्यू 5.0 × 10⁻⁸ इतना दे रखा ना, यही दोनों में आप पुट कर दीजिए, देखिए ई को 450 हो गया, और इसका वैल्यू टोटल अभी हम लोग पढ़े हैं वहाँ पे 9 × 10⁻⁹ आपका 9, क्यू को हो गया आपका 5.0 × 10⁻⁸ आपका -8, ठीक, और नीचे आपका आर स्क्वायर है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर ये 9 से कट कर दीजिए, मल्टीप्लाई तो डिवाइड कर देंगे, 5 × 9 = 45, 9 है ना, 5 टाइम जाएगा 9 × 5 = 45, हाँ आए तो आई ये वो जीरो हो जाएगा, इतना हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आर स्क्वायर 10⁻⁹, और यहाँ पे 5 × 10⁻⁸ आपका -8, ठीक है, और यहाँ पे यही मल्टीप्लाई कर दीजिए, इससे डिवाइड कर दीजिए, 50 हो जाएगा, तो 5 × 10 में 50, राइट, तो आर स्क्वायर इक्वल टू यहाँ हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो रहा है 10⁻⁴ आपका +9, और 10⁻² ऊपर जाएगा तो +2 आपका -8, यहाँ पे 1 है ना ऊपर जाएगा तो यहाँ पे भी 9 हो जाएगा। तो ये देखिए जब सेम हुआ तो पावर पर कर लेते हैं ना, 9 - 9 डेट मीन्स आर स्क्वायर इक्वल टू कितना 10⁻⁰, तो 10⁻⁰ मतलब वही में 1 हो गया, आर स्क्वायर हटाते तो कितना होता है डेट मीन्स आर इक्वल टू आपका 1 मीटर, यानी 1 मीटर की दूरी पे रखने से जो है वो 400 कितना जाएगा 50 वोल्ट हो जाएगा, बस इतना, ठीक है। तो आप यही पर डायरेक्ट फार्मूला ये लगा सकते हैं, यही वाला फार्मूला लगा सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह समझा दिया हूँ फार्मूला कैसे प्रूव करके निकाल लिया जाता है सूत्र, मान लीजिए आपका मतलब गुलाम ही का सिर्फ मालूम है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मालूम है बाई क्यू, तो ये इसका आप ला के रख देते हैं, ठीक है, इस तरह से सॉल्व कर लेते हैं, नोट कर लीजिए।